सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर जो है उसका दो डेफिनेशन है। एक जो आम ओपिनियन है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर जो होता है वो लॉजिकल कंपोनेंट होता है। लॉजिकल कंपोनेंट, जिसके वजह से ये विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता है, ये आम परिभाषा है, ठीक है। लेकिन दूसरे हिसाब से सॉफ्टवेयर को अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको लिखा जाता है किसी भाषा में। Those are written in one or more languages. अब यहां पर languages जो है वो कौन सा language होगा, तो computer ही का languages होगा। तो इस case में ये दिखाई देता है। देखिए, दो परिभाषा software की। आम परिभाषा के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है वो लॉजिकल कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, जो काम तो करता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर दिखाई देता है क्योंकि वो एक या एक से अधिक कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी सॉफ्टवेयर को किसी खास काम को करने के लिए बनाता है, ठीक है। तो यहां से दो अलग अलग परिभाषा जो है वो निकल के सामने चली आती है। लेकिन इसमें, इन परिभाषा में, ये वाला परिभाषा ज्यादा उपयोगी होता है, ज्यादा काम में आता है कि सॉफ्टवेयर क्या है भाई, लॉजिकल कंपोनेंट है जो विजिबल नहीं होता है। अब आइए सॉफ्टवेयर के टाइप्स को देखते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर को जो है सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, इसको बांटा गया है तीन अलग अलग भाग में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ राइटर्स ने या कुछ टीचर्स ने ऐसा भी बताया है कि सॉफ्टवेयर को दो भाग में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। लेकिन जो IBM की परिभाषा है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की परिभाषा है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये सप्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ये पावरफुल बनाता है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो ये आपके सिस्टम को पावरफुल बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला सॉफ्टवेयर है, मोस्ट डायनेमिक सॉफ्टवेयर है, इसको यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि यूजर अपने मर्जी से अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनवा सकता है, ठीक है। अब आप आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर पे।
सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर तीन तरह का होता है, असेंबलर, कंपाइलर इंटरप्रेटर लिंकर। लोडर शेड्यूलर, अगर शेड्यूलर को भी देखा जाए तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, मीडियम टर्म शेड्यूलर है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मैं फिर से बतला देना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहां सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिस जो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे लोडर, शेड्यूलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, लिंकर एटीसी। इसे मैंने डिवाइड किया शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में, ट्रांसलेटर को असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर में। आगे के वीडियोस में मैं इन सारे चीजों की परिभाषा आपके सामने रखूंगा। अब आइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे, जो हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, अगर हो तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास जितना भी डिवाइस ड्राइवर है वो चलाएगा, जितना भी मेमोरी मैनेजर है वो चलाएगा, एंटीवायरस फायरवॉल एंटीवॉर्म, इस ढंग का जितना भी चीज है वो आपका सप्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बिना भी काम चल सकता था, लेकिन ये चीज आपने सिर्फ इसलिए ये चीज इंस्टॉल करते हैं ताकि आपका सिस्टम ज्यादा परफेक्टली काम कर सके, बिना रुकावट के काम कर सके। अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सबसे डायनेमिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। अगर इस सॉफ्टवेयर को हम लोग देखें, तीसरा नंबर का सॉफ्टवेयर, तो इस सॉफ्टवेयर में आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को SW ऐसे भी लिखते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आया करता था वर्ड स्टार, उसके बाद एमएस वर्ड आ गया। ऐसा नहीं है कि एमएस वर्ड तक ही सीमित है, एडोब का पेज मेकर भी है। और क्वार्क एक्सप्रेस भी है। दूसरा आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आ गया। इसमें सबसे पहले लोटस आया था, खासकर लोटस का 1-2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद एमएस एक्सेल आया, और एमएस एक्सेल जो है आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। तीसरा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास एमएस पावर पॉइंट है। चौथा ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ड्राइंग पर्पस के लिए, इसमें कोरल ड्रॉ है, ऑटो कैड है, इटीसी।
बहुत सारा है। बोला तो मैंने पहले ही बता दिया कि मोस्ट डायनेमिक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जब तक आप यहां लिख रहे हैं तब तक नया इतना सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, पांचवा आपके सामने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ताकि आप फोटो को एडिट कर सकें। इसमें नंबर वन पे आता है फोटोशॉप, कोरल का फोटो पेंट, ETC। हर कैमरे के साथ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके सामने चला ही आता है। ठीक है, तो ये इतना। अब देखिए कैटेगराइजेशन में और कर रहा हूं, अभी मैंने पांच कैटेगराइजेशन किया है, अभी छठा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें टैली बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, एकॉर्ड, EX और न जाने कितना सॉफ्टवेयर डेली मार्केट में बनता आता है, हर दिन नए सिरे से बन के आ रहा है। उसके बाद DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके एग्जाम्पल में आपके पास फॉक्सबेस है, फॉक्स प्रो है, MS एक्सेस है, ये आपका DBMS है। RDBMS, रिलेशनल और बाकी DBMS का जो फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपके सामने क्या आ गया भाई, ओरेकल है, DB2 है, MySQL है, SQL सर्वर है, बिग डाटा है, ETC। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये सारा जो है अलग अलग कैटेगराइजेशन है सॉफ्टवेयर का जो आपको इस्तेमाल करना है। अब इससे पहले कि मैं सॉफ्टवेयर के इस वीडियो को खत्म करूं, मैं एक चीज और बतला देना चाह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर को एक हिसाब से बांटा गया है फ्रीवेयर शेयरवेयर लाइववेयर नैगवेयर। देखिए सब में वेयर लगा हुआ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, डेमोन। तो इस तरह से ये जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, ये इस तरह से जो है अलग अलग कैटेगराइजेशन हुआ है, स्पाईवेयर। तो ये सब जो परिभाषा है ये भी एक्चुअली टाइप से ही है। तो एक वीडियो में आप सॉफ्टवेयर ऐसे टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो जो है सॉफ्टवेयर के बेसिक्स के ऊपर डेडिकेटेड था, जिसमें मैंने ये बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है और कितने तरह क्या का कैटेगराइजेशन हो सकता है, और लास्ट होते होते मैंने ये बताया कि सॉफ्टवेयर और कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, और कितने तरह का हो सकता है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया।